हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनु आकाश पॉजिटिव एटीट्यूड। और मैं हूं अनु। जैसा कि आपको मेरा थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूं। इससे पहले भी मैंने आपको रिव्यू दिया है, लेकिन आज मैं रिव्यू लेकर आई हूं हर्बल क्रीम का। और बहुत सारी क्रीम आपने मार्केट में देखी है, पर शायद इस क्रीम के बारे में आपने नहीं देखा हो। पर ये ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। और ये जो क्रीम है ये किसके लिए है? ये है ऑयली स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्रीम कैसी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये है हर्बल क्रीम जो डेली डेली यूज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, सुबह और शाम को। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये नीम खीरा फेयरनेस क्रीम है। दिस इज़ अ फेयरनेस क्रीम एंड दिस इज़ फॉर पिंपल एक्सपर्ट। पिंपल एक्सपर्ट मतलब किसके लिए? जिसकी ऑयली स्किन होती है, तो बाहर आने जाने पर उनकी स्किन पर डस्ट लग जाता है, डस्ट आ जाते हैं, तो उससे जो हमारे ये ओपन पोर्स होते हैं उनको वो बंद कर देता है, जिससे पिंपल की प्रॉब्लम होती है। और पिंपल हो गए, और ये मुहासे, जिनको कील मुहासे कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको दूर करने के लिए आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद आपको इसको डे और नाइट को इसको आपको लगाना है। देखो ये किस चीज़ के लिए है। ये जो क्रीम है ये रिलीफ करती है रेडनेस एंड इचनेस ऑफ इरिटेटिंग स्किन। मतलब स्किन में जो रेड रेड हो जाता है लोगों के, और खुजली होती है, और मतलब इचनेस होती है, ये उसके लिए बहुत बेस्ट क्रीम है। और जो स्कार्स हो जाते हैं, मतलब अब बहुत से लेडीज के होते हैं, और किसी के प्रेगनेंसी के बाद स्किन पे स्कार्स हो जाते हैं जो बहुत हाईलाइट होते हैं, तो उनको कम करने के लिए भी ये बहुत बेस्ट क्रीम है। और ये हर्बल क्रीम है, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो क्रीम है ये लाइटनिंग स्कार्स एंड पिगमेंटेशन, और ये खीरे से रिलेटेड क्रीम है। तो ये जो है ये स्मूथ एंड मॉइस्चराइज ड्राई एंड चैक्ड स्किन, ठीक है? तो ये इस टाइप की स्किन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत बेस्ट क्रीम है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। और इस क्रीम को जब भी आप लगाएं, तो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगी तो एक सुबह और एक शाम को आप इस क्रीम को जरूर लगाएं, और देखना विद इन अ 1 वीक आपको इससे आप अपनी स्किन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इससे आपके स्किन में कितना ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है? तो आप प्लीज़ एक बार इसको ट्राई जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और इस चैनल के नीचे जो बेल आइकन है प्लीज़ आप उसको क्लिक करना ना भूलना, ठीक है? और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।